बिसमिल्ल रिम्स असल फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर फाइन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लेसन आज हम सीखेंगे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स की इंग्लिश जो ना सिर्फ इंग्लिश बोलते हुए हमारे काम आएंगे बल्कि हम इन्हें अपनी उर्दू कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स जब हम उर्दू बोलते हुए इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और सुनने वाले पर भी एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन फर्स्ट वर्ड इज एनी वेज एनी वेज बहरहाल वेयर कहा सम हाउ किसी ना किसी तरह सम हाउ एट लीस्ट कम एज कम एट लीस्ट therefore इसलिए therefore finally फाइनली आखिरकार फाइनली luckily ली से luckily for फॉर sure, श्योर for फ़ॉर श्योर बाय मिस्टेक ग़लती से बाय मिस्टेक एवरीवेयर हर जगह एवरीवेयर बाय गॉड खुदा की कसम बाय गॉड फॉर गॉड सेक खुदा के लिए फॉर गॉड सेक अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली एट वॉट प्लेस किस जगह एट वाट प्लेस एट वाट टाइम किस वक्त एट वट टाइम बट लेकिन वाई क्यू फॉर गुड हमेशा के लिए फॉर गुड हमेशा के लिए बिसाइड्स इसके अलावा बिसाइड्स Nowadays, आजकल Nowadays, इफ़ अगर हेयर यहाँ देयर वहाँ लेटर बाद में लेटर बाद में सून जल्द ही सून now अब देन फिर ऑफन अक्सर ऑलमोस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन नॉट now अभी नहीं नॉट now एनीबडी कोई however एवर however, what, क्या when, कब how, कैसे never, कभी नहीं never, कभी नहीं at any cost, किसी भी कीमत पर at any cost just a moment बस एक लम्हा जस्ट अ मोमेंट विद माय कंसेंट मेरी इजाज़त से विद माय कंसेंट विदाउट एनी रीजन बगैर किसी वजह के विदाउट एनी रीज़न तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन आई होप कि इस लेसन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस तरह के मजीद लेसन की वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय